व्हाट्सअप गाइस, नमस्ते प्रणाम, गुड मॉर्निंग। विजय सिंह है, लंबे आदमी। व्हाट्सअप गाइस, नमस्ते प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम फिर से आ चुके हैं सेलिब्रिटी चैनल में व्लॉग में। तो आप लोग हम लोग के व्लॉग में बने रहिएगा। आज शॉपिंग करने जाएंगे, पापा बस छुट्टी लिए। हम लोग के पापा भी आए ना, एक ही दिन के लिए पापा छुट्टी लिए थे। तो हम लोग सोचे कि पापा तो अपने ड्यूटी चले जाएंगे, तो हम लोग उनसे दिवाली की शॉपिंग कराएंगे पटाखा का। हाँ, बहुत मजा आएगा गाइस। अभी हम ये उसमें से मुर्गा बम और वो जो सब स्काई शॉट होता है, देखते हैं अगर खुली होगी तो वहाँ से लेंगे, अगर नहीं खुली होगी तो नहीं लेंगे। हम लोग तो नहा धो के दोपहर में रेडी हो चुके हैं। आपको सेम ही ड्रेस लग रहा होगा क्योंकि हम लोग सुबह ही उठ के उसको पहन लिए थे। फिर नहाने के बाद मम्मी बोली कि उसी को पहन लो, 50 बार का धुलोगे। तब हम लोग यही पहन लिए। हम लोग जा रहे हैं मार्केटिंग करने पटाखे की, और उधर से आटा भी लाना। आटा चक्की पे हम लोग दिए थे गेहूँ कल दिए थे, तो आज आटा लाने जा रहे हैं। पापा आए तो सोचे चलो घूम लिया जाए, घर में तो हर दिन बैठना ही है। तो हम लोग तो ना जा रहे हैं, अभी तक कोहरा गिरी नहीं रहा। मतलब पापा अभी तक अभी हम लोग यहाँ पे कोहरा गिरना चाहिए था ना। पापा मैं स्लीपर छोड़ूंगी। क्यों गाइस, अभी हम कार में बैठेंगे तब लोग से मिलते हैं। आप लोग हम लोग ब्लॉग में हम बने रहिए। आज का ब्लॉग बहुत यूनिक होगा, लोग पटाखे खरीदेंगे गाइस, ढेर सारे पटाखे खरीदेंगे। पापा अभी तक भी नहीं बताए कि कहाँ जाएंगे हम लोग। हाँ, हम लोग कर दिए मेरे पापा। हाँ, कार में बैठ चुके हैं, अभी हम चलेंगे मार्केटिंग करने, पटाखा खरीदेंगे ढेर सारा। पापा ने लोकेशन देखा है मैप पे और पता चला है कहीं जाना है भोजपुर के साइड तक। सोचे कि दिवाली से 2 दिन पहले हम लोग पटाखा ले लेंगे, चाचा से मंगवा लेंगे हम लोग। तो भैया मान गया है, वो जिद कर रहा था कि आज ही लेना। हाँ, लोग जा रहे हैं आटा लेने, तो अभी हम लोग चलेंगे। गाइस तो हम लोग आटा चक्की में पहुंच चुके हैं, पापा के अंदर। अरे उसमें व्हाइट व्हाइट लगा होगा, पापा डिग्गी में रख लीजिए। आटा ले चुके हैं, कौन आना तुम्हारा? नहीं मैं लूंगी। क्या? अपना स्लीपर। क्यों? नहीं लेना है मुझे, चाहिए। नहीं लेना है मुझे, चाहिए तो चाहिए। क्यों झगड़ा करे बाबू, स्लीपर चाहिए ना, झगड़ा करने से मिलेगा। ये हैवी लग रहा है। बता चुके हैं पौधे के लिए खाद लेने, मस्त फूल है ना, ऐसा खिल जाए हम लोगों में तो मजा ही आ जाएगा। देखिए लंबे आदमी लकड़ी लगा के चल रहे हैं। कंपनी का पोल, कंपनी का प्रचार, पब्लिक सिटी प्रचार, कुर्सी और वो हॉस्पिटल भंडा पेल, सिर पर मुनाफा, पैसे का दुश्मन, बालू का साथ। बस फैलेगा, नहीं भैया मिट्टी डल के। अरे मिट्टी डल के देखिए, अभी एक में और डाल रहा है। मम्मी खा देना इसके ऊपर। हाँ मिक्स होगा पूरा खाद, यही वाला खाद मिक्स होगा, ये वाला पौधा सबसे जो है इसमें हो गया। ये ऐसा प्लांट है, इसमें बस पानी डालने में तो 1 महीना चलेगा। चलते हैं कार।
गाइस तो पापा खाद ला रहे हैं, वो जो पैकेट के लिए थे, मेरे सामने स्लीपर का दुकान है, वहाँ पे चले स्लीपर ले लिया जाए मेरे लिए इसके लिए। और मैं जा रही आम पापड़ खाने, अभी नहीं घर पे जाकर। गाइस तो हम स्लीपर खरीदने आ चुके हैं, मैं उतर गया, ये मैं भी आज कर दूँ ये वाला भाई। नहीं कोई नहीं, स्लीपर तो बहुत गड़ रहा है, काटा लगा इसमें। देखिए विक्स की वाली वो जो होती है ना सूंघने वाली, देखिए कैसे घुमा रही है, घुमाओ जी। मैंने तो फूल तोड़ दी गाइस, मेरे से गलती से फूल तोड़ गया। मम्मी देखिए मेरे से गलती से फूल तोड़ गया। गाइस तो हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं, तैयार हूं आम पापड़ काटूं। ए बाबू आम पापड़ खा ले, मम्मी रुक गई है। पापा छत पे खाद मिक्स करवा देता खाद में, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे है ये आलू टिक्की और ये है यहाँ पे फिंगर चिप्स। मैं डालूंगी, ला लो जा, थोड़ा मैं भी डालूंगा, चढ़ जाने दो, डाल 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 डालूंगा। गाइस ये मैंने बनाया स्माइल, ये है फिंगर चिप्स, ये है आलू टिक्की। तो गाइस आप लोग भी आइए फिंगर चिप्स खा लीजिए और कॉफी भी पी लीजिए। गाइस अब हम लोग चलते हैं पौधा सींचने, मुझे आ रही है खींच के आ रही है खींच के। मम्मी मेरा न्यू स्लीपर दे दी मुझे, ए भाई का पन्नी में मुझे नहीं पता। तो गाइस इस अब मैं इस स्लीपर को करती हूँ बाय बाय। अब मैं अपना मेरा न्यू स्लीपर बढ़िया दो रख दिया कहीं और नहीं है, इसे कहते हैं हाय। अब इसे अपने पैर में डालते हैं, वो बोलेगा तुमको बाय। हम लोग को पापा ने बताया कि हम लोग नमो घाट चलेंगे, नमो घाट पे का पानी पूरा खत्म हो चुका है, जो अभी गंगा जी बड़ी थी ना पूरा डूबा था, जो अभी नया बड़ा वाला हाथ बना है एक थो वैसे 60 और बनेंगे, पता हमको पता चला हमारे दोस्त बता रहे थे स्कूल में। तो गाइस हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग वहाँ पे चलेंगे घूमने भी, और देखिए हम लोग का एकदम सेम सेम कपड़ा है, तो हम लोग चलेंगे तब लोग से मिलते हैं। अभी हम लोग के चाचा भी आएंगे तो हम लोग उनके साथ चलेंगे, सब लोग कार में बैठ के जाएंगे, बहुत मजा आएगा। गाइस आप लोग हम लोग के ब्लॉग में बने रहे, गाइस आप लोग इंजॉय करिए हम लोग के ब्लॉग। गाइस तब हम लोग के चाचा आ चुके हैं, अब वो ड्रेस व्रेस सब लोग पहन लिए कपड़ा अपना, अब हम लोग भी चल रहे हैं, मम्मी ताला लॉक करेंगे, चलेंगे अब हम लोग कार में बैठेंगे, नमो घाट पे चलेंगे हम लोग। हम लोग चलते हैं नीचे और हम लोग की कार वहीं पे पार्क है, तो ये देखिए मेरे पापा क्यूट से। अब हम लोग चलते हैं नीचे, मेरा भाई पहन रही हूँ, मेरा भाई पहन रहे सूट तो मैं उसको छोड़ के जा रही हूँ नीचे। बाय भैया, बाय मम्मी है ना। हम आ चुके हैं, ज्यादा एक्टिव हो गई, चलिए अब एकदम नॉर्मल होकर चला जाए। बताइए सही बोले, देखे मेरी चाची भी आ गई। ये टुली हाय कर दो, हाँ सर है। देखे आस्था गाइस तो हम लोग नमो घाट पे पहुंच चुके हैं, आपको दिखा रहे हैं यहाँ से, देखिए ब्रिज है। गाइस मैं और आस्था सोते हैं, देखिए टुल्ली, अब देखिए देखिए बड़े वाले वो जो नया बना है वहाँ पे 2 करोड़ का हाउस बोट है, कहाँ पे है आगे उसमें झूलेंगे ना, वो वाले पे जो एयर वाला है। चलो अरे उसमें झूला, देखो तंखियाँ फिर नहीं, हम लोग मजे से झूल लेंगे। क्या हो गया इधर देखो, क्या हो गया, कब चलेंगे हम लोग, अभी चल ही रहे हैं नीचे जा रहे हैं।
गाइस तो हम लोग यहाँ पे नमो घाट पे पहुँच चुके थे और देखिए हम लोग कितना खुशी खुशी जा रहे हैं, और क्योंकि हम लोग को कितना मज़ा इसलिए आ रहा था, इतनी सुंदर सुंदर लाइट लगी थी उधर से, ग्रीन ब्लू पिंक इतनी ढेर सारी लाइट आ रही थी ना क्या बताऊँ। और इधर देखिए कितने ट्रेन्स की सब लाइन लगी इसमें, वो सब डियर और बियर सब हैं, और जो लंदन ब्रिज का वो जो पूरा होता है ना लंदन का बस डबल फ्लोर वाला वो भी था। और गाइस यहाँ पे इतने बड़े बड़े झूले लगे थे, ये मेरी बहन तो बोली थी भैया पानी वाले में करो, बोला था बड़ी हो गई अभी तक को पैर मारी ना उसमें चलने के लिए आगे तुरंत ढास से गिर जाओगी, वीडियो वीडियो कुछ भी शूट नहीं हो पाएगा। गाइस देखो यहाँ पे डियर जैसे चल रहा है कि सेंटा क्लॉज इसको ले जा रहे हैं क्रिसमस में गिफ्ट बांटने बच्चों को। गाइस यहाँ पे नया वाला तांबर वाला भी वो बना था हाथ। तो गाइस आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे वीडियो बनाना मना हो गया था, तो हम लोगों ने जो वीडियो बनाया वो आप लोगों को हम लोग दिखा रहे हैं। बाउंसर अंकल आके बोले कि वीडियो यहाँ पे बनाना मना है, आप लोग नमो घाट पे जाएगा तो प्लीज़ मत वीडियो बनाएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत वहाँ पे मना कर दिया गया है वीडियो बनाना गाइस। और यहाँ पे रिंग है वहाँ पे आप लोग वीडियो शूट कर सकते हैं, और यहाँ पे तांबर का कितना सुंदर लग रहा था गाइस, अभी एक ही बना है बहुत सुंदर लगता है गाइस इतना बड़ा सा, अभी 2 करोड़ की यहाँ पे वो भी निकली थी हाउस बोट गाइस, बहुत मजा गया था। और देखिए मेरा छोटा भाई टुल्ली चल रहा है, उसको चलना आता लेकिन ये दोनों लोग बोले थे कि हम दोनों लोग टुल्ली का हाथ पकड़ के चलेंगे भैया। गाइस देखिए हमारा टुल्ली एकदम अकेले खड़ा हो गया है, देख रहा है कि हम किसकी तरफ जाएं, पापा की तरफ अपने चाचा की तरफ कि बड़े पापा की तरफ कि दीदी की तरफ, देख रहा है। तो देखिए जा रहा है दीदी की तरफ, दीदी को बहुत मानता है सेल्वी को, और एकदम प्यार से हंस हंस के गया था गाइस। इधर हम लोग पापा से बोले पापा ये झूला झूला दीजिए, उस पर टुल्ली भी गया था जब उसके पास कूदा था, इधर तेज हंस रहा था गाइस क्या बताऊँ। देखिए आप लोग वीडियो में दिखा होगा, देखिए गाइस देखिए कैसे खड़ा है, वो अभी खेल नहीं पा रहा है क्योंकि अभी छोटा है ना गाइस, इसी वजह से वो कूद नहीं पा रहा था गाइस। नमो घाट पे बहुत मजा आ गया, तो हम लोगों ने बहुत मजा किया गाइस, इधर ट्रेन ढेर सारी चल रही थी लाइट वाली गाइस, बहुत इंजॉय किए हम लोग गाइस। तो अभी हम लोग यहाँ नमो घाट पे हम लोग यहाँ पे रील वील शूट कर लिए गाइस। यहाँ ये जो मेला है यहाँ पे लगा है होलसेल पूरा, इसका मतलब है आप लोग यहाँ गणेश जी का मूर्ति आप लोग देख के समझ ही चुके होंगे कि पूरा दीपावली पे लगा है गाइस, यहाँ पे दीपावली पे सेल लगता है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं गणेश जी। और गाइस यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आपको एक बोर्ड दिखा रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़िएगा, ये दीपावली पे लगा है यहाँ पे गणेश जी, दीपावली आ रही है तो आप लोग समझ ही जाएंगे गाइस। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सिल्क और कॉटन वाले कपड़े थे, यहाँ पर डेकोरेशन के भी अच्छे सामान मिल रहे थे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने बढ़िया बढ़िया उलिन कपड़ा है, सिल्क और सूती वाले बहुत अच्छे अच्छे कपड़ा थे गाइस, बहुत अच्छे अच्छे लहंगा थे साड़ी थे गाइस, देख के मन खुश हो गया। यहाँ पे बहुत महंगा महंगा था इसी वजह से हम लोग लिए नहीं गाइस। देखिए इधर इतने ढेर सारे कप्स और देखिए प्लेट है गाइस, बहुत सुंदर लग रहे थे, मैं तो अंदर घुस के एक बार देखा था, वो देखिए आगे कितने मस्त मस्त पॉट हैं गाइस, बहुत अच्छा लगा था। और मैं जब वीडियो शूट कर रहा था तब एक तो भैया हमको सब्सक्राइबर मिल गया, हमको शाबाशी दिए, बोले शाबाश बहुत अच्छा डांस किया गाइस, हम लोग बहुत मजा आ गया वहाँ पे गाइस, बहुत इंजॉय किया हम लोग। और हम लोग का मन कर रहा था फुल्की खाने का, बहुत चटक खाने का, तब पापा से बोले पापा फुल्की खिला दीजिए, तब हम लोग वहाँ पे फुल्की खाए। अब हम लोग रोड कर रहे थे क्रॉस, तो हम लोग यहीं पे रोड कर क्रॉस कर रहे थे गाइस, 4 लेन का हाईवे पे एकदम मस्त लगा था गाइस, बहुत मजा आ गया। हम लोग जा रहे हैं घर पे, आप लोग भी पक्का आइएगा यहाँ पे घूमने मेले में बनारस में है, बहुत मजा आ गया गाइस, बहुत इंजॉय किए हम लोग। हम लोग यहाँ घर पे पहुँच चुके हैं, पापा यहाँ पे कार मैं बैठी रहूं। हाँ भाई आइए आइए आ जाइए, वो आधे भी मम्मी। गाइस मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब चलते हैं ऊपर, मुझे बहुत खींची जा रही है क्योंकि मैंने खा लिया है पानी पूरी और उसमें ही मेरा गला हो गया है एकदम डैमेज डैमेज और हो गई तीखी तीखी। मैम मैं चढ़ने का मन नहीं कर रहा। गाइस तो हम लोग रात को इसलिए ब्लॉग नहीं एंड कर पाए क्योंकि हम लोग की पूरी एनर्जी खत्म हो गई थी, ये तो तुरंत आके एकदम सो गई, तुरंत ऊपर का बस शर्ट ही निकाली थी, टी शर्ट पैंट तो वहीं पहनी है, और मैं भी वही शर्ट निकाल के फिर बाद में सो गया क्योंकि मेरे को दवाई भी खाना था ना, इसी वजह से सो गया, मेरे पेट में दर्द है। तो हम लोगों ने नमो घाट पे बहुत इंजॉय किया गाइस, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत मजा आ गया। हम लोग का ब्लॉग कैसा लगा लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आप लोग बस सपोर्ट कर रहे थे गाइस, आप लोग सपोर्ट करते रहिए ढेर सारा कमेंट्स लाइक। गाइस नमो घाट पे वीडियो बनाना बंद हो गया था, हम लोग को पता नहीं था, तो वहाँ पे बाउंसर खड़े थे और हम लोग को बताया कि बाबू यहाँ पे वीडियो बनाना मना है, तब मैंने बोला अच्छा अंकल ठीक है, तो आप लोगों को जितना हम वीडियो बनाए हैं आप लोग को दिखा दिया, बोले थोड़ा मोरा वीडियो बना दो घुमा के, मैंने बोला ठीक है अंकल,
तब मैंने देखे आप लोगों को थोड़ा मेरा जो भी वीडियो दिखाया होगा आप लोग प्लीज देखिएगा हमारे ब्लॉग को। गाइज आपसे एक बात कहनी थी, प्लीज गाइज और जो लोग गंदा कमेंट करते हैं लाइव में और ढेर सारे वीडियो में, प्लीज आप लोग प्लीज गंदा कमेंट मत करिए। आप लोग हम लोगों के बाबा बहुत अच्छे स्कूल में, मम्मी पापा दोनों लोग मिलकर बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं हम लोगों को, बहुत अच्छा स्कूल, हम लोग पढ़ाई में भी ध्यान देते हैं और डांस में भी। आजकल के जनरेशन में अभी पढ़ाई कोई अनपढ़ गवार नहीं है गाइज, और इस जनरेशन में पढ़ाई सबसे मेन है और एंजॉयमेंट मतलब इंटरटेनमेंट है ये डांस। आज जब लोग लाइव में कमेंट करते हैं कि पढ़ लो गवार हो जाओगे, तो हम आपको बता दें गाइस कि हम लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे अगर कभी रात को लेट में सोए तो 5 बजे उठते हैं, वरना 4 ही बजे उठते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। आप लोग यूट्यूब प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी चीज़ है, प्लीज़ गाइस आप लोग ऐसा गंदा कमेंट मत करिए किया करिए प्लीज़। आप लोग जब भी हम लोग लाइव आते हैं हम लोग बोलते हैं कि पढ़ ले और गंदा कमेंट करते हैं, जो आप लोग टाइम वेस्ट करें कमेंट करके, आप लोग उसमें अपना यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं गाइस, और उसमें आप लोग आप वीडियोज़ भी डाल सकते हैं, ढेर सारा पैसा भी कमा सकते हैं गाइस। प्लीज़ आप लोग हम लोग के कमेंट के सेक्शन में आप लोग प्लीज़ गंदा कमेंट मत किया करिए गाइस प्लीज़। और जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं आप लोगों बस सपोर्ट की जरूरत है, हम लोग आगे जा रहे हैं गाइस प्लीज़, आप लोग ऐसे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। और जो लोग गंदा कमेंट करें प्लीज़ आप लोग मत करिए गंदा कमेंट, अच्छे कमेंट करिए, हम भी आपको साउथ आउट देंगे। तो मैं अपनी क्यूट से यूट्यूब फैमिली को बोलता हूँ कि अपने दिल से धन्यवाद कि आप लोग सब्सक्राइब किए हम लोग सेल्फी ब्यूटी सी चैनल को, ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, बस आप लोग अच्छा कमेंट्स करिए गाइस, गंदा प्लीज मत कमेंट करिए, और आप लोग जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर हम लोग करा दीजिए प्लीज गाइस। बस आप लोगों को सपोर्ट जरूरत है, जैसे आपके मोहल्ले में सब लोग आप लोग सबको बताइए कि सेल्फी ब्यूटी सी चैनल है बहुत अच्छा करते हैं डांस, प्लीज गाइस आप लोग बताइए इसे सपोर्ट करते रहिए गाइस। अब हम लोग इस ब्लॉग को करते हैं एंड, आप लोगों को कैसा लगा लाइक और शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।